हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, मैं एक ऐसा प्लांट दिखाऊंगी जो मेरे पास है और वो मर गया था और फिर वो ज़िंदा कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगी। जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरे सामने ये प्लांट रखा हुआ है। आप लोग, इतना छोटा सा है तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा ये प्लांट है और कैसा था ये पहले और इसका नाम क्या है, ये कुछ पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। मैं पास से दिखाती हूँ, शायद आप लोग जान जाएंगे कौन सा प्लांट है। देखिए, ऐसे तो पता नहीं चल रहा होगा ना आप लोगों को, तो मैं बता ही देती हूँ। ये क्रोटोन का प्लांट है दोस्तों, और क्रोटोन का प्लांट ये मेरा बिल्कुल मर गया था, तो मैं आज यही दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये वाला था, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत पहले कटिंग लगाई थी, तो ये पूरा प्लांट इतना ही बड़ा था, इससे अच्छा था ये वाला। लेकिन ये पूरा बारिश के दिनों में ही पूरा जो है गल गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था। तो मैंने इसकी बहुत थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये निकलेगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब कुछ दिन बाद मैंने देखा इसमें नई इसमें जो है ग्रोथ शुरू हो गई है। मैंने हटाया नहीं था गमले से, लेकिन गमले में ही लगा रहने दिया था, क्योंकि जो है मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सोच रही थी कि शायद ये आगे चल के निकल आए, लेकिन वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैंने प्लांट को हटाया नहीं था और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। खाद पानी मैंने इसमें थोड़ा सा दिया, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जो किचन वेस्ट का बनाती हूँ, और गोबर की खाद का थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, और मैंने इसमें पानी बराबर डाला। इसको पूरी फुल सनलाइट में रख दिया था। पूरे दिन की सनलाइट तो नहीं मिलती है, 2-4 घंटे की सनलाइट इसको मिलती थी। मैंने इसको हटाया नहीं था दोस्तों, ये लगा हुआ था, बिल्कुल बेकार हो चुका था। मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी था इसको, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसमें बहुत सारी पत्तियों का गुच्छा निकल रहा है। देखिए, इधर से भी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी सारी ये देखिए पत्तियाँ निकल रही हैं इधर। ये देखिए, यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मतलब मरते, ये बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि ये प्लांट हमारा बचेगा या चलेगा। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये ज़िंदा हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये देखिए इस तरह का था पूरा। ये क्रोटोन है, हरी पत्तियों वाला है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छी जो है पत्तियाँ इसकी निकलती हैं, पूरी ग्रीन ग्रीन। तो इसी को मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि जो है ये प्लांट मेरा बिल्कुल बेकार हो चुका था। तो कभी भी प्लांट इस तरह से ख़राब हो तो आप लोग बहुत जल्दबाजी ना करें उसको जो है बिल्कुल गमले से हटाएं ना जल्दी से, और जो है बहुत जल्दबाजी में उसको गमले से ना हटाएं और ना ही उसको उखाड़ के फेंकें। तो कुछ दिन के लिए उसको अकेला छोड़ दें, उसकी प्रूनिंग कर दें, और फिर उसको जो है जब वो 2-3 महीने में नहीं निकलता है तब आप उसको हटाइए गमले से। अगर गमले से अगर हटा देंगे तो फिर जो उम्मीद थोड़ी सी रहती है कि शायद ये ज़िंदा हो जाए, शायद ये चल जाए और शायद ये नई ग्रोथ फिर से शुरू करे, तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग उसको बहुत जल्दी हटाया मत करिए। अगर प्लांट हमारा मर गया है तो उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उसमें खाद पानी आप बराबर दीजिए, जैसे और प्लांट को देते हैं, सभी प्लांटों को देते हैं, वैसे ही दीजिए। आप उसको पानी दीजिए, उसको खाद दीजिए, मगर उसको उखाड़ के फेंकिए मत। तो कहने का मतलब मेरा आज यही है, जो हमारे जो नए गार्डनिंग दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो जिनको प्लांटों का बड़ा शौक़ है, तो उनसे मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्लांट अगर मर रहा हो या मर गया हो तो उसको जल्दी से उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, उसमें खाद पानी देना चाहिए बराबर उसको, और उसको सनलाइट में थोड़ा रखना चाहिए। तो ये क्रोटोन का प्लांट है और यही वाला ये कटिंग से मैंने तैयार किया था। तो दोस्तों, एक उम्मीद होती है तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए उखाड़ के कभी नहीं फेंकना चाहिए।
तो कभी भी कोई भी प्लांट अगर मरता है या मर जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसे जल्दबाजी में उखाड़ के मत फेंका करिए आप लोग, क्योंकि जो है उखाड़ने से भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसको अकेला छोड़ दो, प्रूनिंग कर दीजिए, खाद पानी उसको बराबर दीजिए जैसे सभी प्लांटों को आप देते हैं। और उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये बात है कि उसको थोड़ा सा सनलाइट में रखिए, जहाँ पे हल्की सी सनलाइट उसको मिले। तो ये प्लांट मेरा बिल्कुल मर चुका था, बारिश के दिनों में काफ़ी पानी इसमें भर गया था तो ये प्लांट मेरा बिल्कुल मर गया था, लेकिन मुझे यकीन था शायद ये नई ग्रोथ फिर से शुरू कर सके। तो ये क्रोटोन का प्लांट है दोस्तों, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको उखाड़ा नहीं था, रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो है इसको ऐसे ही मैं छोड़ दूँ, तो इसको मैंने उखाड़ा नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था। आप लोग देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग इसकी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था। ये देखिए यहाँ से मैंने काट दिया था पूरा, ये यहाँ से मोटी डंडी थी, नीचे से सिंगल था, तो मैंने यहाँ से काट दिया था। इसकी नई नई ब्रांचें अब निकल रही हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी ब्रांचें निकल रही हैं, मतलब पहले से भी घना हो रहा है ये। इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं आप, छोटी छोटी पत्तियाँ बिल्कुल ये इतनी प्यारी लग रही हैं। तो प्लांटों में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी इसमें ग्रोथ शुरू हो सकती है, चाहे वो जो है छोटा सा प्लांट हो, चाहे मर रहा हो, चाहे ज़िंदा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्लांट कभी ख़राब हो जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको वैसे ही लगा रहने दीजिए, उसमें खाद पानी आप बराबर दीजिए, हो सकता है उसमें फिर से नया जीवन शुरू हो जाए। तो ये वाला क्रोटोन है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, देख रही क्या, तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट है। आप लोग इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, इसकी कटिंग जब प्रूनिंग किया था तभी से इसकी कटिंग मैंने इसमें लगा दिया था, तो ये पूरा प्लांट बन गया था पहले, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, पहले दिखाया भी था। तो इसी तरह आप लोग अगर आपका प्लांट ऐसा कभी होता है, ख़राब होता है, तो जल्दबाजी में उसे उखाड़ के मत फेंकिए कभी भी। तो मैं बताना यही चाहती हूँ कि कोई भी प्लांट अगर ख़राब होता है तो उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, उसमें खाद पानी दीजिए, थोड़ा सा खाद देने का तरीका आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे खाद देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सभी कुछ उसमें दीजिए, लेकिन प्लांट को कभी हटाइए नहीं गमले से। गमले से हटा देंगे तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि ये प्लांट हमारा शायद फिर से शुरू हो सकता है, शायद इसमें जान आ सकती है, तो वो भी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप लोग प्लांट ख़राब हो या मर रहा हो उसको हटाइए नहीं, उसको प्रूनिंग कर दीजिए, खाद पानी बराबर दीजिए, उसको शेडी एरिया का हो तो शेडी एरिया में रखिए, या तो फिर उसको सनलाइट में ही रखिए। तो इस तरह से अपने प्लांट को बचा सकते हैं, और मैंने अपने प्लांट को ये देखिए बचाया, इसमें नई नई ग्रोथ चल रही है और मुझे बहुत खुशी मिली कि ये प्लांट मेरा फिर से जो है ग्रोथ कर रहा है, फिर से ज़िंदा हो गया, इसमें नई नई ब्रांचें निकल रही हैं, काफ़ी अच्छा लगा देख के मुझे और काफ़ी खुशी भी मिली। तो इस तरह से आप लोग जो है ये वाला क्रोटोन है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। तो आप लोग इसी तरह अपने प्लांट को बचाइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि मतलब आपका प्लांट अगर ऐसा है तो आप उसकी प्रूनिंग करिए, उसमें खाद पानी दीजिए, लेकिन उसको गमले से उखाड़ना मत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।